डॉक्टर रफीक जो शादान मेडिकल कॉलेज के एडवाइजरी डायरेक्टर है, उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करें और 11 अप्रैल को अपने हक़ रायदी का जरूर इस्तेमाल करें। मैं डॉक्टर रफीक एडवाइजर शादान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मैं तमाम शहरियों से गुजारिश करता हूँ कि आप अपना वोटिंग राइट इस्तेमाल करें और एक अच्छी पायदार हुकूमत को लेके आएँ जो लोगों के लिए काम करें, बिला मजहब व मिल्लत और बिला तफरीके के काम करें और ये जो हमारा कंट्री है इसको नई ऊंचाइयों तक ले जाएं, हर फील्ड में जो है तरक्की करें हिंदुस्तान और करते हुए नेक्स्ट सुपर पावर बने। और आज ये हम जब भी बन सकते हैं जब हम इंक्लूसिव ग्रोथ करें। मैं चाहता हूँ हर एक से, हमारे तमाम शहरियों से, अपने भाइयों से, बहनों से, बच्चों से, यंग स्टूडेंट से, पर्टिकुलरली जो यंग वोटर्स हैं, यू आर गोइंग टू चेंज द होल फेस एंड फेट ऑफ इंडिया बाई वोटिंग, बाई यूटिलाइजिंग योर वोटिंग राइट। इट इज़ वेरी प्रेशियस एंड यू हैव टू वोट, प्लीज वोट एंड यूटिलाइज योर वोटिंग राइट। थैंक यू। अल्लाह ना करे कि आप बीमार हो जाए या आप कहीं बिजी हो जाए, फिर भी आप वोट डालने ज़रूर जाए। जैसे कि आप जुम्मे की नमाज को ज़रूर जाते हैं, उसी तरीके से आप वोट डालने ज़रूर जाए। और दूसरा काम, आप अल्लाह को रज़ा करना, इसके बिना कोई काम पूरा मुकम्मल नहीं होता। तो अल्लाह को रज़ा करने के लिए ज़रूर दुआ कीजिए कि हिंदुस्तान के लिए और उसके मुस्तकबिल के लिए अच्छे से अच्छी हुकूमत आए। नाज़रीन, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि अगर आपने CNI न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो अदबन CNI न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए।